सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर भी में फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है जिसमें उन कर्मचारियों को पचहत्तर प्रतिशत फीस में छूट मिलेगी तो किन किन कर्मचारियों को ये छूट मिलने वाली है और कहाँ वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है अपडेट जान लेंगे आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं तो हिसार से ये बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आए हैं साथियों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एच के आर कर्मचारियों की भलाई के लिए कदम उठाया है विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले एच के आर डी ग्रुप के कर्मचारियों के बच्चों की पूरी फीस तथा ग्रुप सी के कर्मचारियों के बच्चों की पचहत्तर प्रतिशत फीस माफ की जाएगी यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के सभी कोर्सों के लिए लागू की गई है कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं उनका वेतन भी नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम है अब उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में हो गए हैं साथ ही उनकी आजीविका का साधन केवल विश्वविद्यालय से मिलने वाला वेतन है विश्वविद्यालय ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए इनके बच्चों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नो ने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य जरूरतमंद विद्यार्थी फीस के कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे अक्सर देखने में मिलता है कि छोटे व कच्चे कर्मचारी व अन्य गरीब वर्गों के बच्चे काफी सृजनात्मक व कौशल युक्त होते हैं उन्हें उचित मार्गदर्शन व शिक्षा व्यवस्था की जरूरत तो रहती है साथ ही आर्थिक स्थितियों परिस्थितियों के कारण भी ऐसे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा नहीं आनी चाहिए गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम पर स्थापित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय लगातार इस दिशा में कदम उठा रहा है इससे पूर्वी विश्वविद्यालय शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या तथा छात्रवृत्ति राशि दो गुणा करने के अतिरिक्त जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए कई छात्रवृत्ति योजना लागू करने जैसी कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद छोकर ने बताया कि एच कर्मचारियों के लिए बच्चों की फीस माफ़ी व्यवस्था इसी स्तर से लागू की जाएगी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं यह विश्वविद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय कदम है तो आपको बता दें साथियों ये गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो कच्चे कर्मचारी एच के के माध्यम से लगे हैं चाहे ग्रुप डी है या सी है उन सभी के लिए खास खुशखबरी है क्योंकि उन सभी कर्मचारियों के बच्चों को अब चाहे ग्रुप डी में है तो कोई फीस नहीं देनी होगी और ग्रुप सी में है तो पचहत्तर प्रतिशत की फीस उनकी लगेगी पहले जो फीस है वो इस प्रकार से नहीं ली जाती थी जो रेगुलर बच्चे आते हैं उनके हिसाब से इन कर्मचारियों के बच्चों को फीस दी देनी होती थी तो ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है जो एच के कर्मचारियों के बच्चों को यदि उच्च शिक्षा लेनी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना है तो आप इस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसी प्रकार से यदि सभी डिपार्टमेंट जो एच कर्मचारियों को विशेष छूट दें इस प्रकार की शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी छूट मिलती है तो उसको उसका बड़ा फायदा होगा साथियों तो इस प्रकार की यदि आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें आपके फ़ायदेमंद जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो